जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले जो सीआरएस का पोर्टल था वो पूरी तरह से अपडेट हो गया है। उसका लिंक भी चेंज हो गया है। आईडी पासवर्ड इसका फ्री में मिल रहा है ताकि आप जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बना सको। देखिए, हुआ ऐसा है कि बहुत सारा जो फेक वेबसाइट था वो सीआरएस से मिलता जुलता बना दिया गया था। लोग जानकारी के अभाव में फेक वाला वेबसाइट से अपना जन्म प्रमाण पत्र बना लिया करते थे। इसी को रोकने के लिए सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण का न्यू पोर्टल लॉन्च किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस न्यू पोर्टल का आईडी पासवर्ड आपको फ्री में कैसे मिलेगा। तो है एवरीवन, मेरा नाम है शंकर और आप देख रहे हैं शंकर डिजिटल क्लासरूम। तो इस वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना होगा, तभी जाकर के आप कंप्लीट प्रोसेस को समझ पाएंगे। और यदि हमारी वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज इसी प्रकार के यूनिक कॉन्टेंट्स अपलोड होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पुराना पोर्टल है crsorgi.gov.in। मैंने इस पर कई वीडियो भी बनाया है, आप इसी पर से बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट बनाते होंगे। चूंकि इसका बहुत सारा फेक वेबसाइट आ गया मार्केट में, तो अब इसे बंद कर दिया जाएगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि न्यू पोर्टल कौन सा लॉन्च हुआ है। न्यू पोर्टल पर आने के लिए आपको टाइप करना होगा गूगल क्रोम में dc.crsorgi.gov.in। तो ये न्यू वाला जो पोर्टल है उसका इंटरफेस लोडर इस प्रकार से आएगा, या आप चाहे तो डायरेक्ट इस न्यू पोर्टल पर आ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यही है जो न्यू पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है। पर आपको फ्री में आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल पब्लिक, क्लिक करेंगे अपना आईडी पासवर्ड जनरेट करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन अप का बटन आपको मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करना होगा, जिसमें आपका फर्स्ट नेम डालना मैंडेटरी है, यहाँ पर डाल लीजिएगा। मिडिल नेम है तो डालेंगे, अदर छोड़ दीजिएगा। लास्ट नेम है तो डालेंगे, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, वो आप यहाँ पर डालेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस डेट पिकर से आपको पिक कर लेना है। एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि जिनके नाम से आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है आप उनके नाम से रजिस्टर कीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपना भी आईडी पासवर्ड जनरेट करके किसी का भी आप बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर से रिपोर्ट कर सकते हैं। कर लेने के बाद इस नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक कर लेना है। एड्रेस में आपको इन इंडिया के ऑप्शन पर आपको सेलेक्ट रहने देना है। आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं उसने स्टेट का सिलेक्शन आपको यहाँ पर से कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा आपका है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाउन में रहते हैं या विलेज में रहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे। आपका विलेज कौन सा है वो आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे। अपने एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। अपने घर का यानी बिल्डिंग का नंबर या नेम मालूम है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। हाउस नंबर मालूम है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। स्ट्रीट नेम अपना यहाँ पर डालेंगे। आपका लोकेलिटी में पोस्ट ऑफिस कौन सा पड़ता है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ये सब डिटेल आप नहीं भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। इतना डिटेल फिल कर लेने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन आधार एंड नेशनैलिटी के सेक्शन में आ जाएंगे तो आपको अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना है। आपका नेशनैलिटी क्या है, इंडियन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस टर्म्स कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। देन इस नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे में आप देख सकते हैं वेरीफाई, क्लिक कर लेंगे। कोड इज वेरीफाइड सक्सेसफुली, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। इस कैप्चा कोड को सॉल्व करके आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन सेंड ओटीपी करिएगा। देन आपके ईमेल पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे में आप देख सकते हैं वेरीफाई, क्लिक कर लीजिएगा। कोड वेरीफाइड सक्सेसफुली, इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर का बटन, क्लिक कर लीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब आपको यहाँ पर जनरल पब्लिक लॉगिन करना है। जो भी आप अपना ईमेल आईडी दिए हैं या मोबाइल दिए हैं, जो भी आपका मन है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। कैप्चा कोड को सॉल्व करके आपको यहाँ पे डालना है। लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन अगेन वेरिफिकेशन कोड यानी कि ओटीपी आपके मोबाइल पर सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। नीचे में आप देख सकते हैं लॉगिन का बटन, क्लिक कर लेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया है। आप देख सकते हैं हम लोग अभी नए वाले पोर्टल के अंदर में
लॉगिन हो चुके हैं। जो भी आपको बर्थ रिपोर्ट करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बर्थ रिपोर्ट, डेथ रिपोर्ट, स्टिल बर्थ रिपोर्ट। प्रोफाइल में कुछ भी अपडेट करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड अपर कॉर्नर में आपका नाम रहेगा जनरल पब्लिक में, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट प्रोफाइल। लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं लॉग आउट, इस पर क्लिक कीजिएगा तो लॉग आउट हो जाएंगे। बर्थ या डेथ आपको रिपोर्ट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्थ, क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट बर्थ, क्लिक करेंगे, एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल करके आ जाएगा जैसे पहले सीआरएस में आता था, लेकिन ये अपडेटेड वर्जन है। कि वीडियो जो है वो काफी लंबा हो जाएगा, तो रिपोर्ट आप अपनी पोर्टल पर कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप हमें निश्चित तौर पर ही कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप सभी प्रकार के ऑनलाइन काम सीखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से कैसे शिकायत करें, राष्ट्रपति जी से कैसे शिकायत करें, प्रधानमंत्री जी से कैसे शिकायत करें, कंज्यूमर कोर्ट में कैसे शिकायत करें, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट ओपनिंग, आधार कार्ड, फूड लाइसेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हॉस्पिटल में ऑनलाइन बुकिंग, आरटीआई फाइल करना, इस प्रकार के रोज हमारे चैनल पर कॉन्टेंट अपलोड होते रहते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष डिजिटल क्लासरूम को।